اللهم اغفر يا رب محمد وآل محمد صلي على محمد وآل محمد وعجل صلي على محمد عید اکبر بہت بہت مبارک. میں نے عید اکبر کہا ہماری بڑی بڑی باقی جو عیدیں آتی ہیں اس عید کا وہ خاص طور پر خیال رکھتے ہیں ہماری مسجد کرب و بلا میں ہے ولایت کی آزان. مسجد کرب و بلا میں ہے ولایت کی آزان. آنسوؤں کے شہر میں محفل سجاتے ہیں حسین. آنسوؤں کے شہر میں محفل سجاتے ہیں حسین. کس قدر خوشنو بھری یہ عید ہے عید غدیر. چور ہیں زخموں سے لیکن مسکراتے ہیں حسین. نعرہ حیدری
जब थोड़ा सा आपको खिलाने के लिए हलाल साहब के बेताब खिला, उन्होंने लिखा है छोटी बात देखना कितनी खूबसूरत है अजी मौला पैगंबर कह गए है अली मौला पैगंबर कह गए शेख साहब हाथ मलकर रह गए है अली मौला पैगंबर कह गए शेख साहब हाथ मलकर रह गए एक बड़े साहब छोटे से कहा दिल के अरमान आंसुओं में बह गए हसीना
लगता है तेरी निस्बत से ये इस्लाम भला लगता है। लोग कहते असर हुआ गदीर का हालांकि अक्सर हमारे साथ होता है पंजाब में जा ओ जी कोई नवा सुदा सुना। मैंने एक जगह पे कहा आपको नई शुरुआत कुरान का भी पुराना नहीं नजम और पहली दफा पढ़ रहा हूँ मैं देख देख के कोशिश करूँ आप करूँ शायरी मिजाज पे असर हुआ गदीर का नबी का सफर हुआ गदीर का सलामत रहमत रहमत मौला को सलाम। कुरान के मिजाज पे असर हुआ गदीर नबी का हज आखिरी सफर हुआ 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 गदीर का तमाम उम्र जो अली के बोझ में खामोश थे तमाम उम्र जो उन्होंने कह दिया वो डल हुआ गदीर सलामत रहें बहुत प्यारा खूबसूरत मेरे समाज का शाख शाख की नबी के दी पे छाँव है मेरा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है इतना खूबसूरत सुन रहे वो जिस इशा
نبی کے دین پہ چھاؤں ہے عجیب سایہ دار وہ شجر ہوا غدیر سمر ہوا حساب کتاب کتاب غلام عباس شاہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا
ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰਬਲਾ ਸੇ ਬਣ ਚੁਕਾ ਕਾਬਾ ਬਣਾਏਗਾ ਉਦੂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾਸ ਕਿਤਨੀ ਦੂਰ ਲਸ਼ਕਰ ਤੋਂ ਹਮਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਤੋ ਐਸਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜੀ ਖੂਨ ਕੋ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸੜਕੋ ਮੇਂ ਜ਼ੰਜੀਰ ਜ਼ਨੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਵਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮੇਂ ਦੇ ਹਸਪਿਟਲ ਮੇਂ ਦੇ ਕਿਸੀ ਕੇ ਕਾਮ ਆਏ ਕਾਮ ਤੁਮੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਖੂਨ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਆ ਹੈ ਬਿਲਾਲ ਕਾਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਜ਼ਾਦਾਰੋਂ ਕਾ ਖੂਨ ਹੈ ਬਸ ਗਮੇ ਸ਼ਬੀਰ ਕੋ ਦੀਜੇ ਯੇ ਜਿਸੇ ਮੇ ਉਸੀ ਕੇ ਕਾਮ ਆਏਗਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਮਰ ਬੁਨਿਆਦ ਪਾਏਗਾ ਕਾਬਾ ਬਣਾਏਗਾ ਅਚਾਨਕ ਗਿਰ ਪੜਾ ਹੂੰ ਮੇਰੇ ਹਾਥੋਂ ਮੇਂ ਅਲਮ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂ ਪਰਚਮ ਕੋ ਉਠਾਉਂਗਾ ਮੁਝੇ ਪਰ ਹਾਂ
حسینیہ
के साथी कमाल के निकले, वफा की राह में सभी ख्याल के निकले, हुसैन हुसैन आपके साथ कमाल के मफा की राह में सबके ख्याल के निकले, पढ़ी जो गलियों की तारीफ है अबू तालिब, मुरीद सब आपके साथ के कमाल के वफा की राम में सबके ख्याल के रखे, पढ़ी जो बलियों की तारीख है अबू तालिब, मुरीद सब तेरे अहलो अयाल के रखे। अच्छा, काफी मरतबा ये काफिया इस्तेमाल होता है, लेकिन अक्सर सिस्टी साहब ने हमारा इसका इस्तेमाल किया और बड़ा खूबसूरती के साथ पेश नजर है। अजब मिजाज के कैदी है कैद खाने से, यजीदियत का जनाला उसी जमीन की कीमत लगा रहे हैं हुसैन, जहां से सारे नबी दिल संभाल। जहां से सारे नबी दिल
نہیں ہونے والی. میں جو کچھ میں نے جو کچھ ادھر پڑھا گواہی دے گیا. میں نے ابھی وہ موضوع نہیں چھیڑا, سارا ہٹ کے میں نے فرمائش کی. میری سننی آپ نے ناراض نہیں ہونا. حساب کتاب غلام عباس کرتا ہر کو ملا ہے ایسا تبرک امام سے جنت بھی دیکھتی ہے اسے احترام سے. ہر کو ملا ہے ایسا تبرک جنت بھی دیکھتی ہے اسے احترام سے. کیا جون پر حسین نے پڑھ دی دعا تو, کیا جون پر حسین نے پڑھ دی دعا ایسا شیر پر ڈر لگتا شرط انڈیا انڈیا اب نہ کنجر
किसी वार से डर लगता है। एक शब्बीर के खुदा से डर लगता है। अब न खंजर न किसी वार से डर लगता है। एक शब्बीर के खुदा से डर लगता है, इसलिए कैद में मुख्तार को रखता है ज़िया। सारी दुनिया को आज़ादार से डर लगता। इसलिए कैद में मुख्तार को रखता है ज़िया। सारी दुनिया को आज़ादार से डर लगता है, वार से डर लगता है, मुख्तार से आज़ादार से। बहुत ज़्यादा काफिया उसकी तलवार जो उठती तो कयामत होती। जिसकी जंजीर की झनकार से डर लगता है। आपने बहुत खूबसूरत काफिया वाकिया ये भी है तारीख के दामन में अजब। एक हाकिम को गिरफ्तार से डर लगता है। जाकिर से पहले शायर से पहले मजमा पहुंच जाता है। एक ऐसा ही काफिया है जो इसकी दूसरी लाइन आ गई, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें जो लफ्ज आ गया मसलन, मुझसे डरता है समाना ये कहा मरहब ने, और मुझे वार से डर लगता है, आज़ादार से डर लगता है, गिरफ्तार से डर लगता है। बहुत प्यारा काफिया है। कासिम अकबर अब्बास हुसैन इब्न अली, देखो ना डर लगता है। ओ, ओ, ओ,
ਅਸਾਂ ਸਰੈਕੀ ਚਾਦੇ ਰਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ इसलिए आलम देख के घबराते हैं, बेवफाओं को वफादार से डर लगता है, ਬੇੜੇ ਨਬੀ